हेलो गर्ल्स, वेलकम बैक। आज हम आए हैं ब्लॉग नंबर 11 लिख के। तो आज हम गए थे बॉबी वाली माता। तो आज मुझे इधर पास में मिला है फिर से एक्वेरियम। आज का ब्लॉग इधर ही बनाएंगे। तो चलो अंदर जाके देखते हैं कि कौन सी मछली जहाँ पे पाई जाती है, कौन सी देखते हैं। तो अंदर से किस टाइप का बनाए, चलो गाइस भी आगे जाते हैं देखते हैं। तो देखते रहिए हमारे ब्लॉग को। तो आप कह सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अंदर की ओर। तो जहाँ पे आने के लिए 30 रुपये की टिकट लगती है। और तो आप सभी अपनी फैमिली के साथ आइए, देखिए। तो आइए हम फुल इंजॉयमेंट कीजिए। आइए अंदर की तरफ से कुछ तस्वीरें लगी हैं साइंटिस्टों की, देखिए। तो आगे चलते हैं, देखिए जहाँ पे आगे बैठने का भी इंतजाम किया है, एलसीडी वगैरह लगी है। आप फुल इंजॉयमेंट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। इधर आप फोटो शूट कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं, आगे जाके पूरा देखते हैं, व्यू देखते हैं क्या है। फोटो बहुत अच्छे आते हैं। तो अभी हम इधर पहुँच चुके हैं। तो देखिए जाट कितना सब व्यू है जहाँ का। अभी हमारा कैमरा मैन पूरा दिखाएगा पप्पा जाट क्या जगह है। मज़ा आ गया इस जगह में, पूरी नेचर की फील आ रहा है। आपको जहाँ पे जरूर आना चाहिए, चार बहुत अच्छी जगह है इस जगह। तो गाइस जहाँ पे हर प्रकार की मछली आपको दिख जाएगी, देखिए हर कलर की मछली आपको दिख जाएगी, वाइट, ब्लैक, ग्रीन, हर एक किस्म की। और आपको इसके लिए आपको इधर आना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि किसी से कंपेयर मत कीजिए। जो आप खुद कर सकते हो ना, वो और कोई भी नहीं कर सकता। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ऐसे नहीं पढ़ पाओगे। अगर किसी के पास कुछ है आपसे ज़्यादा है, उसका दुख मत कीजिए, क्योंकि आपके पास भी बहुत सब कुछ हो सकता है अगर आप आगे बढ़ोगे तभी। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत तो आपको करनी होगी और कोई भी नहीं करेगा। इस दुनिया में मेहनत के सिवा कुछ मिलता नहीं है, तभी आप कुछ कर सकोगे, ऐसे नहीं कर सकोगे। तो हम अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों ये पुराना मछली है, आपने इस मूवी में भी देखा होगा। तो मूवी में जो इंसान को खा जाती थी, इतनी ताकत होती थी इसमें। मैंने दो मूवी देखी है पुराना मछली की।
और मैं हॉलीवुड मूवी बहुत देखता हूँ, बहुत इंजॉयमेंट करता हूँ। और जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं। देखिए अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं, तो गाइस आगे जाते हैं, देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं। पहले से देखिए ये कुछ, यहाँ पे एक पुतला सा है और कुछ तस्वीरें फोटो वगैरह है। चलो आगे जाते हैं, तो आगे की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फिशिस के सैंपल रखे गए हैं, आपको इस जगह आना चाहिए और देखना चाहिए, पूरा घूमिए, पूरी इंजॉयमेंट कीजिए। और यहाँ पे हर एक प्रकार की मछली आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसी कैसी टाइप की फिशेस पाई जाती हैं। और ये है फिश का म्यूजियम, और जहाँ पे पुराने से पुराने टाइप की भी मछली जहाँ पे पाई जाती है। तो शायद इस मछली की प्रजाति भी आज खत्म हो गई होगी, ये आपको इधर मिल जाएंगी। देखिए कितनी अच्छी तरह सजा के रखी है इन लोगों ने। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मुझे सपोर्ट करो इंद्रजीत ब्लॉग को, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। आपकी सपोर्ट को मेरी बहुत ज़रूरत है, और मैं मोटिवेट भी करता हूँ इंस्टाग्राम पे इंद्रजीत 1500 से, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। तो गाइस आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग, हमें कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। कमेंट करके आपने पक्का बताना है कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे पता है कि आप लोग सपोर्ट करोगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।